अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बेटा पेज नंबर 28 बेटा कलम पढ़ रहे थे बेटा हैबिटेट्स बेटा क्या होते हैं? रिहायश का रहने की जगह। हमने कल पढ़ा था बेटा कुछ जानवर होते हैं जो खुली मैदानी इलाकों में रहते हैं, कोई बिल बना के रहते हैं, कोई दरख्तों पर रहते हैं। कुछ क्या होते हैं जंगली जानवर होते हैं जो कि खुली मैदानी इलाकों में नहीं रहते, वो क्या करते हैं कुदरती रिहायश का होते हैं, जैसे जंगल जहाँ पर बहुत ज्यादा दरख्त वगैरह हों, ठीक है, वहाँ दरख्तों का हजूम वगैरह हो, जंगल हो, जैसे वहां पर रहते हैं, जैसे शेर गिरा जराफा जंगली जानवर है। बेटा हम पढ़ते हैं आगे पेज नंबर आपका 27 के एंड से शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 दे कैन हाइड देमसेल्व्स। पेज नंबर 28 आपका मेन पेज है। पेज नंबर 28 दे कैन हाइड, हाइड बेटा छुपा लेना, हाइड छुपा लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दे कैन हाइड देमसेल्व्स, वो खुद को छुपा लेते हैं इन दीज एरियाज, उन इलाकों में। व्हेन दे हंट देयर प्रे, जब वो शिकार करने लगते हैं अपने, शिकार मतलब इसको उन्होंने खाना होता है, इसका शिकार करना होता है, हंट शिकार करना, देयर प्रे उनका शिकार, किस चीज को शिकार करना है, अदर लार्ज एनिमल्स सच एज डियर एंड बफेलोज, मतलब ये जंगली जानवर जो लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये खुद को क्या करते हैं बेटा इलाकों में छुपा लेते हैं जब इन्होंने अपने बड़े शिकार मतलब जैसे कि हिरन है या बफेलोज भैंसे हैं उनको शिकार करना होता है। ये घर वाली भैंसे नहीं, जंगली भैंसे होती हैं बेटा जो जंगल में रह रही होती हैं, तो उनको शिकार करना होता है तो वो क्या करते हैं खुद को छुपा लेते हैं, जब फिर शिकार आता है तो फिर उनके ऊपर क्या करते हैं वो हमला करते हैं। लाइन है शार्प टीथ, शेरों के तेज दांत होते हैं, एंड क्लॉज तेज दांत और जबड़े होते हैं, जबड़े बेटा मुंह का होता है, जबड़े ये जो दांत शाह होते हैं ना सारा, ये मुझे जबड़ा होता है। टू हेल्प देम हंट, जो उनको शिकार करने में मदद देते हैं, हेल्प देम मदद करते हैं। लाइन है शार्प टीथ एंड क्लॉज, शेरों के तेज दांत और जबड़े होते हैं जो उनको शिकार करने में मदद देते हैं। हेयर आर सम एनिमल्स, हेयर आर द सम मैन हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड विद सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन देम। बेटा ये नीचे आपकी बुक के नीचे बेटा खाने बने हुए हैं, चार खाने बने हुए हैं, उसमें बताया हुआ चार तरह की क्या है हैबिटेट्स, रिहायश क्या है जहाँ पर जानवर रहते हैं और कौन कौन से जानवर रहते हैं। बेटा ये आप देखो बेटा पेज नंबर है आपका 28 पोलर रीजन्स। बेटा पोलर है बेटा ये देखना बर्फ, ये जहाँ पे बर्फानी इलाके होते हैं, जो बर्फानी इलाके वहां पे बेटा ये नाम लिखे हुए हैं आपको याद होगा, पोलर बेयर रीच वॉल्फ, नंबर टू पेंगुइन, ये पेंगुइन वॉल्फ सील आर्टिक फॉक्स सीवेड फिश फाइटोप्लैंकटन, ठीक है बेटा। ये अब कौन से हैं बेटा, ये आपके जानवर हैं, ये बना हुआ फाइटोप्लैंकटन बेटा, ये जो समुद्री जो बर्फानी इलाकों में रहते हैं तो ये बर्फानी जानवर हैं और ये उनकी हैबिटेट रिहायश का। इसके बाद बेटा डेजर्ट बेटा सहरा जहाँ पे रेत ही रेत होती है। अब वहां के जानवर कौन से हैं बेटा, जैसे ये लिखे हुए शरब्स, ये झाड़ियाँ वगैरह हैं, एंट पोल, ये बेटा ये दरख्त है जो चूटियों वगैरह को खाता होता है। अच्छा बेटा कैक्टस ओक्स लेजर्ड कैमल बस्टर्ड स्नेक, बेटा ये नंबर लिखे हुए हैं साथ साथ ये तस्वीर भी बनी हुई है आपकी। अब ये वाले जानवर कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट पे रहते हैं, इनकी हैबिटेट्स क्या है डेजर्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि बेटा ये बस्टर्ड है इसका क्या है डेजर्ट, आपसे पूछेंगे लेजर्ड का हैबिटेट्स क्या है डेजर्ट, आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछता है कोई आर्टिक फॉक्स उसका हैबिटेट क्या है पोलर रीजन, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपने याद करने हैं, इस तरह याद करने हैं कि आपको अंदाजा हो जाए। इसके बाद सी समंदर, अब समुद्री जानवर जो भी है वो समंदर में रहता होगा, कौन सा कोरल रीफ फिश वेल मैंग्रोव सी ग्रास लॉबस्टर डॉल्फिन क्रैब टर्टल, ये अभी सारे कौन से हैं समुद्री हैं, उनकी रिहायश क्या है समंदर। रिवर्स एंड लेक्स, जो दरिया में रहते हैं या झीलों में रहते हैं, जैसे फिश डक रीड ड्रैगन फ्लाई ओटर स्वैन लोटस फ्रॉग, बेटा ये कौन से हैं बेटा, ये आम जो खुली जगह जहाँ पर पानी होता है, जोगड़ होता है, तालाब वगैरह होता है, ये वहां पर रह सकते हैं। अब समंदर और दरिया में फर्क है, समंदर बेटा बहुत बड़ा होता है और रिवर लेक्स क्या होते हैं बेटा
छोटे होते हैं। ये आपके वर्ड्स मीनिंग है बेटा, मैं पढ़ देता हूँ आपके। देमसेल्फ खुद को, एरिया इलाका, हंट शिकार करना, प्रे शिकार जिसको उन्होंने शिकार करना होता है, लार्ज बड़े, डियर हिरन, बफेलो भैंस, शार्क तेज, क्लास जबड़े, सम कुछ, हाइट छुपा लेना, बेटा ये सबसे पहले लिखा हुआ था पेज नंबर 27 पे। ठीक है बेटा, ये आपने करना है इसको याद कल बेटा। आगे भी छोटा सा बेटा है ये पैराग्राफ, पेज नंबर 29 ये भी पढ़ लिया, पेज नंबर 29 है, ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा कल हम आगे पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड टू द इनहैबिटेंट्स इन विच दे लिव। लिविंग थिंग्स जानदार चीजें क्या होती है बेटा, ये आदि हो जाती है जहां पर वो रहती, अडॉप्टेड आदि हो जाना, अडॉप्टेड आदि हो जाना। अपना लेना या आदि हो जाना। अच्छा, इस अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन इज अ वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब बयान करना, डिस्क्राइब बताना, डिस्क्राइब बयान करना बताना। हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड, डेवलप मीन बेटा बना लेना, तरक्की कर लेना, अपना लेना। के अडॉप्टेशन एक लफ्ज है जो ये बताता है कि कैसे पौधे और जानवर डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू फिट इन द एनवायरनमेंट, फिट इन, फिट इन रहने के लिए मौजूद एनवायरनमेंट माहौल। बेटा जो अडॉप्टेशन क्या लफ्ज है बेटा, लिविंग थिंग्स आर अडॉप्टेड टू हैबिटेंट्स विच दे लिव, लिविंग थिंग जानदार चीजें क्या होती है जहां पर रहती हैं वो उनको अपना लेती हैं। अडॉप्टेशन एक ऐसा लफ्ज है जो कि ये बताता है, ये बयान करता है कि कैसे जानवर और पौधे खुद को उस माहौल में रहने के लिए अपने आदि बना लेते हैं। ठीक है, हाउ डिवेलप स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू फिट इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, वो कैसे उस माहौल में खुद को रहने के आदि बना लेते हैं। बेटा ये हमने पढ़ लिया पोलर रीजन, डेजर्ट, सी, रिवर्स। बेटा उसके बाद देखिए यार फॉरेस्ट, जंगल, जो जंगली जानवर बेटा शेर, जिराफा, रीछ, हाथी, ये नाम लिखे हुए हैं बेटा, ये यहाँ पर जो रहते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। बेटा आपका ये पेज कंप्लीट हो गया, तो बेटा कल हम इसको इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज भी करेंगे और आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये वर्ड्स के लिए आपने लिखने हैं और याद करनी है।